Assalamu alaikum. Hello and welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. So students, today we are here with class number 9. And in today's class, we're just gonna talk about could modal verb. So students, class shuru karne se pehle, agar abhi tak aap logon ne mere channel ko subscribe nahi kiya, to please subscribe ke button pe click kar dijiye. Aur agar aap logon ko meri videos pasand aa rahi hain, aur agar aap log inse kuch seekh rahe hain, तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए. और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं. तो चले आए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, कुड मॉडल वर्ब कैन बी यूज फॉर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेज. 5 तरह के सेंटेंसेज में कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है. नंबर 1, फॉर पास्ट एबिलिटी. नंबर 2, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. नंबर 3, फॉर परमिशन. नंबर 4, फॉर पॉसिबिलिटी. एंड नंबर 5, फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस. तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनकी तफसील को. सो स्टूडेंट्स, कुड मॉडल वर्ब का जो सबसे पहला यूज है वो है टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट. यानी कि गुजरे हुए वक्त में किसी की एबिलिटी को, यानी कि काबिलियत या सलाहियत को बयान करने के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. अब चूंकि प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते थे, अब कुड जो है चूंकि कैन की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म नॉर्मली हम पास्ट के सेंस में लेते हैं, तो इसलिए हम पास्ट की एबिलिटी को बयान करने के लिए कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, उर्दू जुमलों के आखिर में सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए वगैरह आ सकता है. मसलन, मैं कॉलेज जा सकता था, मैं कॉलेज जा सका, या मैं कॉलेज जा पाया. अब इन तीनों सूरतों में जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो सेम एक ही बनेगा. हम मैच जीत सकते थे, हम मैच जीत सके, या हम मैच जीत पाए. आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सके, या आप मुझे बता पाए. वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सके, या वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर पाए. सो स्टूडेंट्स, इन तीनों सूरतों में हम जो इनकी इंग्लिश बनाएंगे वो सेम टू सेम इंग्लिश सेंटेंस सेम ही बनेगा, और वो एक ही सेंटेंस जो है वो तीनों मीनिंग्स दे रहा होगा. अब हम जिस मर्जी सेंस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखते हैं कि हम इसकी इंग्लिश किस तरह से बनाते हैं. सो गाइज, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी हुई है ये कैन मॉडल वर्ब की स्ट्रक्चर लिखी हुई है. अब देखिएगा कि कैन और कुड के अंदर फर्क क्या आ रहा है. देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये कैन मॉडल वर्ब की फॉर्म है. अब जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो कैन को हटा के उसकी जगह पे कुड का यूज करेंगे. दैट्स इट. तो अगर आपको कैन मॉडल वर्ब की समझ आ गई है तो आपके लिए कुड मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सेंटेंस सेम एज इट इज, जिस तरह कैन के अंदर था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सिर्फ कैन की जगह पे हम कुड का यूज करेंगे. तो चले आए गाइस, अब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं. सो मैं कॉलेज जा सकता था, या मैं कॉलेज जा सका, या मैं कॉलेज जा पाया. तो अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आई, देन कुड, आई कुड, देन वर्ब क्या है यहां पे, जाना, गो. कहां जाने की बात हो रही है, कॉलेज. आई कुड गो टू कॉलेज, आई कुड गो टू कॉलेज. मैं कॉलेज जा सकता था, या मैं कॉलेज जा सका, या मैं कॉलेज जा पाया. अब ये एक सेंटेंस ये तीनों मीनिंग्स दे रहा होगा. हम मैच जीत सकते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी, देन कुड, वी कुड, देन वर्ब क्या है, जीतना, विन. वी कुड विन, क्या चीज जीतने की बात हो रही है, मैच. वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच. अब यही एक सेंटेंस जो है, हम मैच जीत सकते थे, हम मैच जीत सके, या हम मैच जीत पाए, इन तीनों सूरतों में जुमला एक ही बनेगा. आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सके, या आप मुझे बता पाए. सो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आप, यू, देन कुड,
यू कुड। देन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म किस चीज की लगानी है, बताना की, टेल, यू कुड टेल, किसको बताने की बात हो रही है, मुझे, मी, यू कुड टेल मी। अब इस एक जुमले का मतलब आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सके या आप मुझे बता पाए, आप इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते थे, वो मेरा फोन इस्तेमाल कर सके या वो मेरा फोन इस्तेमाल कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन, वो, दे, देन कुड, दे कुड, फर्स्ट फॉर्म किसकी, इस्तेमाल करना, यूज, दे कुड यूज, किसको यूज करने की बात हो रही है, मेरा फोन, माय फोन, दे कुड यूज माय फोन। सो स्टूडेंट्स ये एक ही सेंटेंस ये तीनों सेंसेस दे रहा होगा। सो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो चले आए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स कुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। जिस तरह कैन मॉडल वर्ब के बाद हम नॉट लगा रहे थे, यहां पर हम कुड के बाद नॉट लगा देंगे। एंड कुड नॉट का शॉर्टकट होता है कुडंट। बट जस्ट कीप इन माइंड कि कुडंट का हम इस्तेमाल स्पीकिंग में कर सकते हैं, बट राइटिंग के अंदर आप पूरा कुड नॉट ही लिखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं, राइटिंग में नहीं। तो चले आए स्टूडेंट्स इनके नेगेटिव्स बना के देखते हैं। हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे, या हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सके, या हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल पाए। सो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, हम, वी, देन कुड नॉट, वी कुड नॉट, देन वर्ब क्या है यहां पे, खेलना, सो प्ले, वी कुड नॉट प्ले। क्या चीज खेलने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, मैच, वी कुड नॉट प्ले द मैच। बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ, रेन, सो वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज ऑफ रेन। अब ये एक सेंटेंस जो है ये तीनों सेंस दे रहा है, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, या वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सका, या वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल पाया। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वो, ही, देन कुड नॉट, ही कुड नॉट। वो क्या है यहां पे, बोलना, स्पीक, ही कुड नॉट स्पीक। क्या चीज बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सका या सकता था या बोल पाया इस कोर्स से पहले, बिफोर दिस कोर्स। सो ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स। इसी तरह से अली हमसे नहीं मिल सकता था, या अली हमसे नहीं मिल सका, या अली हमसे नहीं मिल पाया। सो सब्जेक्ट क्या है यहां पे, अली, अली, देन कुड नॉट, अली कुड नॉट। वर्ब क्या है यहां पे, मिलना, मीट, अली कुड नॉट मीट। किससे मिलने की बात हो रही है, हमसे, अस, अली कुड नॉट मीट अस, या अली कुडंट मीट अस। सो स्टूडेंट्स अगर आप पॉजिटिव बना सकते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आप कुड के बाद जस्ट नेगेटिव लगा, सॉरी कुड के बाद आप जस्ट नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को जहन में रखें तो इसके नेगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सो आई होप सो नेगेटिव आपको समझ आ चुके होंगे। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव्स बनाने की। सो इंट्रोगेटिव के लिए आपको एक रूल बताया हुआ था मैंने, वो रूल ये था कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव आता है तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपने देखना ये होता है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किस लफ्ज़ के बाद आपने नॉट लगाया था। जिस लफ्ज़ के बाद नॉट लगाया था उस लफ्ज़ को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो नॉट यूज़ किया है वो कुड के बाद यूज़ किया है, तो इस कुड को उठा के हम यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो ये इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चले आए देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले कुड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे, या क्या आप ये गाड़ी खरीद सके, या क्या आप ये गाड़ी खरीद पाए. सेम लाइक दैट, क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता था, क्या आसिम पाकिस्तान आ सका, या क्या आसिम पाकिस्तान आ पाया. नंबर 3, क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था, या क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सका, या क्या वो ऑपरेशन से पहले चल पाया. सो इन तीनों सेंटेंसेस की जो इंग्लिश बनेगी वो अभी देखते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे. सो क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, खरीद सकते थे, कुड, देन सब्जेक्ट क्या है, आप, कुड यू, देन वर्ब क्या है, खरीदना, बाय, कुड यू बाय. क्या चीज खरीदने की बात हो रही है, गाड़ी, कुड यू बाय दिस कार, कुड यू बाय दिस कार. क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे, क्या आप ये गाड़ी खरीद सके, या क्या आप ये गाड़ी खरीद पाए. सेम लाइक दैट, क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता था, सर, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद, देन सब्जेक्ट क्या है यहां पे, आसिम, खुद आसिम. काम क्या कर सकता है, वर्ब क्या है यहां पे, आना, कम, खुद आसिम कम. कहां आने की बात हो रही है, पाकिस्तान, टू पाकिस्तान, खुद आसिम कम टू पाकिस्तान. क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता था, या क्या आसिम पाकिस्तान आ सका, या क्या आसिम पाकिस्तान आ पाया. क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था, चल सका, या चल पाया. फर्स्ट ऑफ ऑल कुड, देन सब्जेक्ट क्या है, वो, ही, कुड ही. वर्ब क्या है यहां पे, चलना, वॉक, कुड ही वॉक. क्या वो चल सकता था, या चल सका ऑपरेशन से पहले, बिफोर ऑपरेशन. सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है कि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में से यहां से कुड मॉडल को उठा के यहां पे शुरू में ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है. तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो आई होप सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आपको समझ आ गई होगी. तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बकिया जो इसके नेक्स्ट 4 यूजेज हैं वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ अगली क्लास के साथ मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.